तो वो ही तो नई दुनिया बनाने वाले हुए। परिवार बनाने वाले माँ बाप होते हैं या बाहर से होते हैं, वो उनका परिवार होंगी, प्रजा होंगी। परिवार और परिवार में राज परिवार और राज परिवार में प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। किसी को नीचे दृष्टि से देखा जाने की बात ही नहीं, इसलिए सब ठीक चलता है। राजा में अगर अहंकार हो तो ठीक चलेगा, नहीं चलेगा। अहंकार के कारण राजा फिर अपना किला अपना महल लंबा चौड़ा बनाएगा, बाकी प्रजा को दास दासी बना के रखेगा, अपनी सुरक्षा के लिए सेना बना के रखेगा, पुलिस बना के रखेगा, दास दासी बनाएगा। जो सच्चा राजा और उसकी जो सच्ची प्रजा होगी वो परिवार के मुआफिक रहेगी या उनकी दास दासी बन के रहेगी? परिवार मुआफिक रहेगी। परिवार के बच्चे से पूछा जाए ये कारखाना किसका है, कहेगा मेरा है। नहीं कि ये कहेगा मेरा नहीं है, मेरे बाप का है। अपनापन महसूस हो, नहीं तो द्वापर कलयुग की द्वैतवादी दुनिया में तो आधा में जाम आधा में रैयत हो जाती है। आधी धन संपत्ति में राज परिवार पलता है, राजा का परिवार, और आधी धन संपत्ति में सारी प्रजा पलती है। कितना फर्क हो जाता है।